अगर आप घोस्ट या पैरानॉर्मल में बिलीव नहीं करते तो शायद ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है, एंड अगर आप ऑलरेडी बिलीव करते हो तो आपके लिए इंटरेस्टिंग ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है ही। सो वेलकम एवरीवन टू द रियल घोस्ट कॉट ऑन कैमरा। नंबर वन, द फर्स्ट ओनर। हम में से काफी सारे लोग अपने खुद के घर में सीसीटीवी कैमरास एंड सर्वेलेंस सिस्टम्स को इंस्टॉल करवाते हैं, बिकॉज आजकल क्राइम रेट्स एंड इलीगल एक्टिविटीज इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो फॉर सम एक्स्ट्रा सिक्योरिटी हम अपने घर में इस चक्कर में इन सब चीजों को इंस्टॉल करवा लेते हैं कि मे बी अगर फ्यूचर में कोई हमारे साथ क्रिमिनल या इलीगल एक्टिविटी हो गई तो हमारे पास एक क्विक प्रूफ होगा उस केस को सॉर्ट आउट करने के लिए। बट वॉट इफ कि तुम्हारे सीसीटीवी कैमरा के अंदर एक क्रिमिनल एक्टिविटी की जगह एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी रिकॉर्ड हो जाए, तो उस केस में तुम किसको कॉन्टैक्ट करोगे अपनी प्रॉब्लम को क्विकली सॉर्ट आउट करने के लिए? ये जो पैरानॉर्मल सीसीटीवी फुटेज जो तुमने अभी देखी, इसके अंदर आप में से बहुत सारे लोगों ने एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ज़्यादा वियर्ड सी चीज़ नोटिस करी होगी, एंड अगर नहीं करी तो एक बार इस क्लिप को वापस देखने का ट्राई जरूर करो। मे बी अब तुम्हें वो चीज़ क्लियरली दिख गई होगी जो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ। ये वीडियो भी एक सीसीटीवी कैमरा के सर्वेलेंस सिस्टम की फुटेज है, जिसके अंदर एक मिस्टी सी फिगर जिसकी शेप एक ह्यूमन बॉडी जैसी काफी लग रही थी इफ यू लुक वेरी क्लोजली, वो इनके घर के बैकयार्ड वाले कैमरा के अंदर कैप्चर हो गई थी। इस वीडियो की लोकेशन तो अननोन है, बट इतना पता है कि इस वीडियो को किसी रेडिट यूजर ने शेयर किया था। जिनके बैकयार्ड में ये फुटेज रिकॉर्ड हुई थी उस होम ओनर को खुद नहीं पता कि उनके कैमरा ने उस रात एक्चुअली में क्या चीज रिकॉर्ड कर ली थी। आज भी ये वीडियो एकदम अनएक्सप्लेन्ड है एंड कोई भी अपनी एक्चुअल थ्योरी नहीं दे पाया है इस वीडियो रिकॉर्डिंग के ऊपर। कुछ लोग कहते हैं कि वो मिस्ट्री सी फिगर एक एक्चुअल स्पिरिट हो सकती है उस घर के फर्स्ट ओनर की, एंड आज के टाइम में वो रेडिट यूजर हो सकता है कि उस फर्स्ट ओनर के स्पिरिट के साथ में ही रहता हो एंड उन्हें इस चीज के बारे में बिल्कुल भी आइडिया ना हो। खैर, तुम लोगों को क्या लगता है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट्स में नीचे जरूर बताइएगा। नंबर टू, हार्टवुड थर्स्टी स्पिरिट्स। इस वाली वीडियो को भी रेडिट पे ही शेयर किया गया था एंड घोस्ट नाम के सब रेडिट पर इस वीडियो को शेयर किया गया था, एंड जितने भी लोग यहाँ पर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं वो खुद उन चीजों को पोस्ट करते हैं, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव दैट स्टफ जो भी लोग पोस्ट कर रहे हैं रेडिट के ऊपर। एंड अब जो आप वीडियो देखने वाले हो उसको देखने के बाद शायद आप भी काफी ज्यादा बिलीव करने लगो। Oh my god, I need to go. I get that in video. I'm just getting that in video. Back it up. ये वीडियो स्कॉटलैंड के हार्टवुड इंसेन असाइलम, जो कि एक अबेंडेंड मेंटल असाइलम है 1995 से भी पहले का, उसके सामने से जाते हुए एक रैंडम पासर ने रिकॉर्ड करी थी, जैसा कि हम वीडियो के अंदर देख भी सकते हैं। वैसे इस बिल्डिंग के अराउंड एक बहुत ज्यादा क्रीपी स्टोरी रिवॉल्व अराउंड करती है जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग तो है ही, बट इट इज वेरी लाइकली कि वो बहुत ज्यादा रियल भी है। कुछ लोग मानते हैं कि इस असाइलम के अंदर पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था एंड कुछ पेशेंट्स को तो टॉर्चर भी किया जाता था अगर लॉन्ग रन के अंदर वो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं शो करते थे, एंड इसी वजह से ये माना जाता है कि इस अबेंडेंड असाइलम में आज भी उन टॉर्चर्ड पर्संस की स्पिरिट्स रिवॉल्व अराउंड कर रही हैं एंड उन वर्कर्स का वेट कर रही हैं जिन्होंने उनको टॉर्चर किया था उस टाइम के अंदर। इस बिल्डिंग को वैसे तो 1995 में कम्प्लीटली अबेंडन कर दिया गया था, बट स्टिल आउट ऑफ
नोवेयर 2004 में इस बिल्डिंग के अंदर एक आग लग जाती है, जिससे काफी सारा बिल्डिंग का हिस्सा फिर से डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड वैसे भी ये बिल्डिंग बहुत ज्यादा खंडर ऑलरेडी हो ही चुकी थी। आप खुद भी देख सकते हो कि आज भी ये जगह कितनी ज्यादा क्रीपी एंड हॉन्टेड लगती है। एंड कोई भी पर्सन एक रैंडम टिकटॉक या रेडिट वीडियो बनाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर तो नहीं जाएगा, वो भी इलीगली। सो यही वजह है कि लॉट ऑफ पीपल इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा रियल मानते हैं। एंड इस वीडियो के अंदर जो फेस, जो क्रिएचर, जो चीज़ कैप्चर हुई है, वो चीज़ उन्हीं टॉर्चर्ड पेशेंट्स में से किसी एक की स्पिरिट हो सकती है। एंड बाय द टाइम यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, हो सकता है कि ये वाली स्पिरिट्स आज भी उधर ही मौजूद होंगी। नंबर 3, जंगल वार्निंग साइंस। अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हों, कोई बहुत ही ज़्यादा सुनसान जगह है, या फिर आपके घर के आसपास कोई छोटा मोटा जंगल है, तो मुझे ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि रात के सुनसान वक्त में ये जगहें कितनी ज़्यादा स्केरी वाइब्स देती हैं। एंड अगर तुम खुद कभी नहीं गए हो ऐसी जगह पर, तो जाकर देखना रात के सुनसान वक्त में, लाइक रात के 2-3 बजे के आसपास, एंड तुम लिटरली शिवर करने लग जाओगे ऐसी जगह पर, इतनी ज़्यादा स्केरी लगती हैं ये। एंड ऐसी जगह पर जाने पर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसे चारों डायरेक्शन से तुम्हें कोई देख रहा है, एंड किसी को शायद पता चल गया हो कि तुम उनके इलाके में आ चुके हो। एंड बहुत सारी हॉरर मूवीज के अंदर भी जंगल सीन्स को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, जस्ट बिकॉज ये सीन्स बहुत ज़्यादा क्रीपी एंड बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड लगते हैं, जस्ट लाइक इन रियल लाइफ। एंड इस वीडियो के अंदर भी कुछ ऐसा ही रिकॉर्ड हो गया था, विच इज मोस्ट क्रीपी एंड मोस्ट अनएक्सपेक्टेड। फेंडर नाम के व्यक्ति जिन्होंने इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया था अपने कैमरा में, ये कोई पैरानॉर्मल प्रूफ वगैरह कैप्चर नहीं करने गए थे उस रात। वो सिर्फ उस जंगल में जो उनके घर के पास ही था, वहाँ पर वो नाइट वीडियोग्राफी एंड नाइट फोटोग्राफी को टेस्ट आउट करने गए थे। एंड उसी दौरान उनके टेस्ट सेटअप के अंदर ये वाली फुटेज कैप्चर हो गई थी, जिसको उन्होंने घर जाने से पहले तो नोटिस भी नहीं किया था, क्योंकि वो बहुत सडन था। उस पेड़ के पीछे से एक हाथ निकलता हुआ दिखाई देता है, एंड ऐसा लग रहा था जैसे वो उस पेड़ को काइंड ऑफ हग कर रहा हो। तो यू विल सी एंड मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स आल्सो सॉ दैट कि जब वो हाथ आता है ना, उसकी फिंगर्स बिल्कुल भी डिस्टिंक्टिव नहीं लगती, उनकी फिंगर्स में बिल्कुल भी गैप फील नहीं होता। ऐसा लगता है कि उस हाथ में जितने भी फिंगर्स हैं वो आपस में ग्लूड हो रखी हैं। एंड इस पेड़ का बेस इतना ज्यादा वाइड नहीं था कि कोई मैच्योर इंसान छुपकर कोई ऐसी हरकत कर सके, एंड स्टिल बिल्कुल भी विजिबल ना हो। बट आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि ये वाली वीडियो एकदम 100% रियल है, एंड जो वीडियो में आया वो एक स्पिरिट ही थी या फिर एक किसी स्पिरिट की वार्निंग ही थी। मे बी ऐसा हो सकता है कि इस वीडियो को क्रीपी बनाने के लिए किसी छोटे बच्चे का यूज किया गया हो, क्योंकि एक छोटा बच्चा तो छुप सकता है इस पेड़ के पीछे, इतना वाइड तो था ये। बट एक सोचने वाली बात ये है कि इफ दिस वीडियो इज रियली मेड अप, सो वो फिंगर्स इतनी ज्यादा ग्लूड क्यों लगती हैं, बिल्कुल भी डिस्टिंक्टिव क्यों नहीं लगती? ऐसा क्यों लगता है कि मानो जैसे वो हाथ किसी ह्यूमन का नहीं बल्कि किसी क्रिएचर का था जो ह्यूमन से काफी ज्यादा रिजेंबल करता हो? और मे बी ये सच में एक रियल घोस्ट का साइन था, जो मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव ऑल्सो, बट डू यू बिलीव सो? नंबर 4, द अर्लीस्ट पैरानॉर्मल। अब जो वीडियो आप देखने वाले हो वो YouTube की वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट क्रीपी पैरानॉर्मल वीडियो है, क्योंकि इस वाली वीडियो को 2006 के अंदर ही अपलोड कर दिया गया था YouTube के ऊपर। एंड YouTube खुद 2005 में शुरू हुआ था, एंड 2006 की इस रिकॉर्डिंग को इसी वजह से वन ऑफ द अर्लीस्ट पैरानॉर्मल सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स माना जाता है। अपटन पार्क नाम का एक पार्क है लंदन के अंदर, जो काफी बड़ा पार्क है, एंड उसी पार्क के एक सीसीटीवी कैमरा ने एक स्टेयर केस वाले सीन की तरफ एक काफी ज्यादा अनएक्सप्लेनेबल एंड एक काफी ज्यादा ईरी साइटिंग को अपने अंदर कैप्चर कर लिया था, विच इज मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव। एंड लोग ऐसा क्यों मानते हैं, पहले आप इस क्लिप को थोड़ा ध्यान से देखना एंड देन मैं आपको बताता हूं। एक बहुत
बहुत ही ज्यादा फेंट ब्लैक फिगर को हम उस स्टेयर केस से ऊपर आता हुआ देख सकते हैं, एंड वो कुछ ही देर में वहां से डिसअपीयर भी हो जाती है टोटली। एंड ये जो जगह है वो कोई अबेंडेंट जगह नहीं है, इट वॉज वेरी फंक्शनल पार्क एट दैट टाइम, एंड ये आज भी वन ऑफ द मोस्ट फेमस पार्क है लंदन का। द थिंग इज, इस वीडियो को फर्स्ट लुक में देखने के बाद ऐसा लगता है कि जो भी पर्सन इस वीडियो के अंदर रिकॉर्ड हो रहा था वो किसी कैमरा ग्लिच या लाइट ग्लिच की वजह से ऐसा दिखने लग गया, वरना कुछ खास नहीं है इस वीडियो में। बट वन मोर स्केरी थिंग इज कि ये जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है ये रात की फुटेज है, एंड उस टाइम पर यहाँ पर ना ही कोई स्टाफ मेंबर मौजूद था, एंड कोई टूरिस्ट का सवाल तो पैदा ही नहीं होता, तो डेफिनेटली ये कोई लाइव पर्सन तो नहीं हो सकता, राइट? कुछ लोगों ने ये भी सोचा कि शायद कुछ व्यूज के लिए इस वीडियो को VFX वगैरह से एडिट करके YouTube पर अपलोड किया गया होगा, लेकिन आप खुद सोचकर देखिए कि 2006 के अंदर YouTube पर कोई क्यों अपनी वीडियो को व्यूज के लिए अपलोड करेगा, क्योंकि उस टाइम पर YouTube खुद फेयरली एक न्यू प्लेटफॉर्म था एंड बहुत कम लोगों ने डिस्कवर किया था। वी आर टॉकिंग अबाउट 2006, एंड उस टाइम पर हर घर में VFX या एडिटिंग टूल्स होना बहुत ज्यादा रेयर चीज होती थी, इनफैक्ट एक कंप्यूटर सिस्टम होना तक बहुत ज्यादा रेयर होता था। तो किसी भी इंसान ने उस टाइम पर, मुझे नहीं लगता कि एक सिंपल सी CCTV कैमरा की फुटेज को क्रीपी बनाने के लिए अपने घंटों वेस्ट किए होंगे। तो इस वीडियो को मुझे नहीं लगता कि फेम वगैरह के लिए अपलोड किया गया होगा, बल्कि मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव कि इस वीडियो को एक मैसेज देने के लिए अपलोड किया था। क्या आपको ये वीडियो एडिटेड लगती है या रियल लगती है, कमेंट्स में अपने ओपिनियंस जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 5, अ पैरानॉर्मल पोजेशन। जो आज की हमारी 5th क्लिप है वो हो सकता है कि तुम्हें बहुत सारे हॉरर मूवीज के सीन्स को रिमाइंड करवा दे, एंड इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है आपके साथ आपको ऐसा लगने लगे कि जो कुछ भी मैंने अभी देखा क्या वो सच में सही था, क्या वो सच में ट्रू था। एंड इस वीडियो को देखते वक्त आपके माइंड में दो ही क्वेश्चंस घूमना शुरू होंगे, इस वीडियो में हो क्या रहा है एंड क्या ये सच में पॉसिबल है। Teresa, you hear me? You understand me? Teresa, leave. Leave, Teresa. Leave, dear. Leave. I'm here to help you. I'm here to help you, Teresa. So, you see your mother? Go with your mother, Teresa. Go with your mother. Is your mother? Do you see your mother? ये वीडियो एक रियल बुद्धिस्ट पैरानॉर्मल पोजेशन की वीडियो मानी जाती है, जिसके अंदर वी कैन क्लियरली सी एक स्मॉल गर्ल चाइल्ड एक पैरानॉर्मल पोजेशन का शिकार हो चुकी है। कहते हैं कि इस बच्ची को एक फॉरेनर स्पिरिट ने अपने वश में कर लिया था, एंड इस वीडियो को बहुत ज़्यादा रियल इसलिए मानते हैं क्योंकि इस वीडियो के पीछे एक बहुत ही ज़्यादा डार्क ट्रुथ रिवॉल्व अराउंड करता रहता है, विच इज़ जो गर्ल हमें इस वीडियो के अंदर दिख रही है, अगर आपने उसके वर्ड्स को ध्यान से सुना होगा तो आपने सुना होगा कि वो लड़की इंग्लिश वर्ड्स को अपने मुँह से निकाल रही थी, बट जिस जगह की ये वीडियो है वहाँ पर इंग्लिश नहीं बोली जाती या फिर बहुत ज़्यादा रेयरली प्रैक्टिस करी जाती है। इस वीडियो की एग्जैक्ट लोकेशन का तो नहीं पता किसी को, बट मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव कि ये वाली वीडियो थाईलैंड या ताइवान जैसी जगह से हो सकती है, विच कुड बी ट्रू बिकॉज वहाँ पर काफ़ी सारे बुद्धिस्ट लोग भी रहते हैं एंड वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज को भी इतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाती। तो व्हाट डू यू गाइस रियली थिंक, क्या रियली में इस बच्ची को एक वेस्टर्न एक फॉरेन स्पिरिट ने पोजेस कर लिया था एंड उसकी ऐसी हालत कर दी थी जिसकी वजह से वो कुछ दिन तक अच्छे से बोल भी नहीं पा रही थी, अच्छे से चल भी नहीं पा रही थी, या फिर ये वीडियो परफॉर्म कुछ और कर रही थी एंड थोड़े एक्स्ट्रा व्यूज के लिए दिखाया हमें ऐसे गया जैसे इस वीडियो के अंदर पोजेशन का कुछ कॉन्सेप्ट चल रहा हो। कुछ भी हो सकता है, बट व्हाट इफ दिस इज रियली रियल।
आपके हिसाब से आपको कौन सी वाली क्लिप सबसे ज्यादा रियल क्रीपी एंड डिस्टर्बिंग लगी फ्रॉम दिस लिस्ट? फॉर मी पर्सनली, मेरे लिए वो पोजेशन वाली वीडियो काफी ज्यादा क्रीपी साबित हुई थी एंड ऑलमोस्ट नाइटमेयर्स ही आने वाले थे मुझे वो वीडियो देखकर। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना एंड अगर आप अपने दोस्तों को भी डराना चाहते हो तो उनको भी ये वीडियो शेयर जरूर कर देना। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो वहां से जाके आप मुझे फॉलो करो, थोड़ी बातें बातें करेंगे तो याद से जरूर फॉलो कर देना एंड वहां पर ऑब्वियसली मैं कंटेंट भी डालने वाला हूँ। एंड इतना सब कुछ करने के बाद आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।